तो ये एक लंबा पैकेज है, लंबा तरीका है, इतना जल्दी जल्दी होने वाला नहीं है। होने वाला नहीं है। सो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा बिल्कुल इंडिया स्ट्रांग है। और इसके स्ट्रांग होने की दो वजूहत हैं, एक तो उनका जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, काम करने वाले हैं। मैं नहीं समझता कि कुछ इस पे असर होने वाला है। उसकी वजह ये है कि एक अलग ब्लॉक बनने जा रहा है, चाइना, रूस, पाकिस्तान, ईरान और नबे वाला अफगानिस्तान, और इसके बाद इराक और अपना सऊदी अरब। असल में ये तो जाहिर सी बात है कि इंडिया इससे स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। वो पहले भी अच्छी कंट्री है और स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तो सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम वसीम रियाज है। तो सर मेरा क्वेश्चन आपका ये है कि जो इस वक्त गर्दिश में न्यूज़ है ये चल रही है कि जो इंडिया वो नेटो प्लस कंट्रीज में, तो अगले कुछ लम्हे में या कुछ दिनों, कुछ सालों या कुछ महीनों तक वो नेटो में शामिल हो जाए, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इससे जब नेटो में शामिल होने का मतलब है कि एक कंट्री पर, नेटो के एक कंट्री पर हमला या कोई आता है, कोई मसला होता है, तो पूरी नेटो कंट्रीज उसके साथ खड़ी होती हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह 4 दफ़ा पाकिस्तान के साथ उनकी वार हुई है, तो क्या अगर शामिल होने से खुदा न खास्ता कभी वार हो, खुदा न खास्ता वार हो, तो क्या फिर सारे नेटो कंट्री पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगी? पाकिस्तान पर इसका क्या असर होने वाला है? न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ हैं और दोनों ही जज्बाती हैं, तो इस तरीके से अगर जंग होती है तो ये जंग होने देना ही लोगों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि दोनों साइड पे जज्बाती लोग हैं। खुदा न खास्ता हो, मैं नहीं कह रहा, मैं तो कभी भी इस हक में नहीं हूँ। अगर होती है तो फिर भी एक देखें, जंग लगने तक से पहले के बड़े चांसेस हैं, बड़े मौके हैं कि उसको रोकने के, कुछ पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं जो कि अभी भी लगाती हैं बाद में, या कुछ सेंक्शंस लगा देते हैं, या कोई बेनिफिट्स दे देते हैं, प्रिविलेज दे देते हैं कि आपकी चीज़ें हम इंपोर्ट कर लेते हैं बगैर किसी टैक्स के। तो ये इस तरह के फ़ायदे भी दे देते हैं और नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तो जंग तक मेरा नहीं ख्याल कि नौबत पहुंचेगी, लेकिन अगर पहुंचती है नौबत तो नेटो के हिसाब से पहली चीज़ तो ये है कि नेटो में शामिल होने का एक तरीका ये भी है, असूल ये भी है कि अगर नेटो के किसी भी मुल्क को एतराज़ हो तो फिर नेटो में शामिल नहीं कर सकते आप उसको, किसी भी मुल्क को। और अभी जो है तुर्की भी नेटो का मेंबर, बिल्कुल बिल्कुल, तुर्की जो है वो भी सोचेगा कि मैंने क्या कहाँ पे होना है, क्या ये काम करना है या नहीं करना। सो नेटो का अगर किसी मुल्क को एतराज़ होता है तो वो शामिल नहीं होगा। अब अगर उसको शामिल करना है तो फिर नेटो के जितने मेंबर चाहते हैं ये, वो तुर्की को और दूसरे मेंबर ममालिक को भी राज़ी करेंगे। अब राज़ी कैसे करेंगे, कुछ देगा ही राज़ी करेंगे। सो ये एक लंबा पैकेज है, लंबा तरीका है, इतना जल्दी होने वाला नहीं है, जल्दी होने वाला नहीं है। सो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो। अगर हो जाए, फर्ज कर लिया जाए कि हो जाता है, इसका फिर रद्द अमल या इसका क्या इफेक्ट होने वाला है पाकिस्तान पर, क्या इफेक्ट होने वाला है? देखें, पाकिस्तान पर इफेक्ट ये है कि अगर लड़ाई होती है तो फिर ज़ाहिर है नेटो के दूसरे ममालिक भी सपोर्ट करेंगे। फिर तुर्की भी हमारे खिलाफ होगा, फिर तुर्की भी हमारे खिलाफ होगा, वो भी नेटो का मेंबर है, नेटो का मेंबर है। तो ये इस तरह बड़ी सीधी सीधे मामला नहीं है कि मेंबरशिप बन जाएगा और जंग हो जाएगी तो फिर क्या होगा। इसके कई कॉम्प्लिकेशंस हैं, हर आदमी को, हर मुल्क को इसका सोचना होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या वो किधर खड़ा होगा। सर नाटो कंट्रीज और जो यूएसए है वो ये भी चाहता हो कि इंडिया कभी भी रशिया की तरफ ना जाए। देखें, अभी भी तो इंडिया जो है रशिया की तरफ जा रहा है, अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं रूस के ऊपर के तेल कोई ना खरीदे, इंडिया तो खरीद रहा है। इंडिया का वजीर खारजा यूरोपीय यूनियन में गया था, उसने एक सवाल किया उन्होंने इंडिया को कि आप इस तरीके से यूक्रेन के लोगों की मारने में सवाल कर रहे हैं, जिस देख रहे हैं रशिया की आप मदद कर रहे हैं। वो कहता है जी हम कैसे मदद कर रहे हैं। बात ये, वो कहता है बकौल उसके कि अगर सारी यूरोप का प्रॉब्लम है तो यूरोप ये कहता है कि यूरोप का प्रॉब्लम सारी दुनिया का प्रॉब्लम होना चाहिए, और अगर बाकी दुनिया का प्रॉब्लम है तो वो यूरोप का प्रॉब्लम नहीं है। सो ये यूरोप को भी सोचना है कि किस तरफ उसने खड़ा होना है, क्या करना है क्या नहीं। सर इधर एक ये भी क्वेश्चन बनता है, इंडिया जो है अब क्या इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो उनके अपने यूरोपीय कंट्रीज़ में बैठ कर ही, नाटो के कंट्रीज़ में बैठ कर ही उनको ये जवाब दे रहा है कि यूरोप का जो मसला है वो पूरी दुनिया का मसला नहीं है? क्या आप समझते हैं कि ये उनकी एक जो फॉरेन या डिप्लोमेटिक जीत है, बहुत बड़ी जीत है? सर बिल्कुल, इंडिया स्ट्रांग है और इसके स्ट्रांग होने की दो वजूहत हैं, एक तो उनका जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, काम करने वाले हैं, मेहनती हैं, बोलते हैं। हम लोग जो है उस लेवल पे नहीं हैं, इसलिए हमारी जो आवाम है प्लस बाकी के लोग हैं वो उस लेवल पे नहीं हैं।
दूसरी उनकी स्ट्रेंथ जो है वो ये है कि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा हमारे से, उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, सो इस वजह से उसको इम्पोर्टेंस मिलती है। एक आबादी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो मार्केट बहुत बड़ी है, लोग उधर जाकर बिजनेस करते हैं, उनके लोग आईटी में बहुत ज़्यादा है। हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स जो हैं टोटल 2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट नहीं है, इंडिया की आईटी की एक्सपोर्ट, सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट 150 अरब डॉलर की हैं। सो वो आप वहाँ से मुकाबला उसके साथ, वो तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपैरिजन। आपकी टोटल एक्सपोर्ट शायद 20-25 अरब डॉलर की नहीं है, उनकी सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट 150 अरब डॉलर की है। अभी तो वो तरक्की कर रहा है, अभी तो वो तरक्की कर रहा है, उन्होंने पढ़ा लिखा है, पढ़ लिखे हैं, वो सारा काम कर रहे हैं, टेक्निकल लोग हैं, इंग्लिश उनकी आगे है। आप उनका तो जोगी जा रहा होता है, एक सपेरा जा रहा होता है, वो तो इंग्लिश में बोलता है। सो इसलिए आप अपना कंपैरिजन ऐसे बैठ के नहीं कर सकते हैं जब तक आप अपने लोगों को तालीम ना दें और अच्छी तालीम ना दें। सो ये कंपैरिजन में हमेशा जब भी आप कंपैरिजन करेंगे वो बेहतर होगा, वो बेहतर होगा। और ये मैंने एक और भी सर बहुत ना अजीबो गरीब मेंटालिटी अपने लोगों की देखी है, और मुझे इस पर यकीन बड़े अफसोस भी बहुत होता है। अगर जो बात सच है ना उसको मान लिया जाए, उसको अगर हम रोल मॉडल समझ लें, अगर फ़र्क करें कोई हमारा हमसाया कंट्री हमारे साथ, हम उनसे 1947 ले रहे हो इसी चीज़ को कि वो उन्होंने मेहनत की हमसे आगे निकल, हम इसी चीज़ को अपने ऊपर लागू कर लें कि हमारे हमसाया कंट्रीज हमसे आगे निकल चुका मेहनत करके, चाहे हमसे बाद में आज़ाद हुआ मेहनत करके हमसे आगे, हम क्यों नहीं कर सकते। और हमारे लोग क्या हैं, वो ऐसे ज़िद्दी हैं, अगर इनको ये बातें की जाएँ तो वो यही कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है ये मुल्क, कभी ख़त्म हो नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं। देखें मेरा ख्याल ये है कि कुरान भी ये कहता है कि अपने घोड़े तैयार रखो, घोड़े तैयार रखो। घोड़े तैयार रखने का मतलब ये है जो भी साजो सामान है, जंग है, टैंक है, बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, तैयारी हैं, जो कुछ भी है उनको तैयार करो, जो कुछ हो सकता है वो मादी वसाइल भी अब मुहैया रखो। अब मादी वसाइल में अगर आप ये कहें कि मैं सीधा ही ऐसे जाऊँ और वो 4 गोलियाँ मार दें मैं मर जाऊँ शहीद हो जाऊँ, तो ये कोई मुकाबला तो नहीं है। मुकाबला तो वो है जो कि हजूर पाक ने भी किया था, जंगों में तैयारी की उन्होंने, जिजरा बख्तर पहनी, तलवारें पकड़ी, आगे गए। ये तो मेहनत भी ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है। तो सर मतलब आपका मुख्य कहने का मतलब है कि जब नेटो में इंडिया शामिल होगा तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है इंडिया पर भी और पाकिस्तान पर भी। देखें बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, लेकिन असल चीज़ ये है कि इस वक्त अमेरिका भी कमज़ोरी की तरफ जा रहा है। सो दुनिया के जो पोल हैं, पावर के पोल हैं, वो भी शिफ्ट होना शुरू हो गए। मतलब दुनिया दो हिस्सों में तकसीम होने वाली है, तकसीम होने वाली है। जो पावर है, पावर शिफ्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, प्रोसेस चाइना की तरफ, एशिया की तरफ पावर आनी शुरू हो गई है। अमेरिका जो है वो अभी अमीर है, पैसा है, ताकतवर है, लेकिन अब शुरू हो गया काम। सर इधर एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, अगर इंडिया नेटो में शामिल होता है तो जारी बात है जब नेटो मगरबी कंट्रीज हैं तो उसका मतलब है उसको रशिया के खिलाफ भी जाना पड़ेगा, उसको चाइना के खिलाफ भी जाना पड़ेगा, उसको पाकिस्तान के खिलाफ भी जाना पड़ेगा, उसको जितने एशियन कंट्रीज हैं उनके खिलाफ जाना पड़ेगा। और एशिया में रह कर एशिया के कंट्री के खिलाफ जाना उनके लिए मेरे ख्याल में कोई इतना ज़्यादा अच्छा स्टेप नहीं होगा नेटो में शामिल होने का। नहीं देखें वो इटसेल्फ जो है जहाँ से चाहता है तेल इंपोर्ट कर लेता है, अपनी आबादी है उसकी बहुत बड़ी है, अपनी वर्कफोर्स उसकी खलीज में बहुत बड़े तादाद में लोग उनके गए हुए हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, कोई मुश्किल नहीं होने वाली। मतलब उसके तलकास तमाम कंट्री के साथ बेहतर है, उसकी डिप्लोमेटिक गाँव में एक चौधरी होता है ना, वो सारे आले दुआले तो उसके गरीब आदमी होते हैं। तो अगर आप ये कहें जी कि अपने एक गांव में चौधरी जो है वो मुश्किल में फंस जाएगा गरीबों के दरमियान में बैठ के, तो ये तो नहीं है। मतलब आप उनको समझते हैं कि वो एशिया का चौधरी है, बनना चाहता है ना वो है, अभी चाइना तो आगे उनसे, अभी चाइना आगे है, लेकिन वो बनना चाहता है, वो उस दौड़ में शामिल है, बल्कि उस दौड़ में 3rd नंबर पर है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि इस वक्त जो इकोनॉमी है USA, चाइना, जापान, इंडिया, रशिया, और इंडिया उस दौड़ में शामिल है, और हम तो कहीं दौड़ क्या, हम तो अभी हमने स्टार्ट नहीं की, हम स्टार्ट किया, हम अभी बैठे हैं। बिल्कुल सही, बैठे भी हम अभी लेटे हुए हैं, ऐसे ही सोए हुए हैं, ऐसे ही है। एक आदमी सो कर उठता है उसके बाद वो सोचता है कि मैंने दौड़ में शामिल होना है, मैंने तरक्की करनी है। मेरे ख्याल में हमारा पाकिस्तान जो कंट्री है वो अभी सोया हुआ है। देखें कंट्री नहीं सोया हुआ, हमारे जो बड़े हैं सियासतदान हैं वो सोए हुए हैं। तो उनको भी तो हम ही लाते हैं सर। क्या आते हैं
उनको भी तो हम ही पावर में लाते हैं। नहीं, हम पावर में हम लाते हैं, लेकिन ये है कि वो सारे के सारे ऐसे ही हैं, बस एक आ जाए तो दूसरा टांग खींचता है, दूसरा आ जाए तो पहला टांगे खींचना शुरू करता है, काम तो करते ही नहीं है सर। ये पावर शिफ्टिंग पता किधर से होती है? पावर शिफ्टिंग मैं आपको नीचे से पावर शिफ्टिंग हो, जब आपके जहल आदमी है तो यही तो मेरा क्वेश्चन। आप अभी तो पॉइंट पर आए कि जब तक हम एजुकेट नहीं करेंगे, हम शऊर नहीं पैदा करेंगे, हमारी कंट्री कभी भी स्ट्रांग नहीं होती। और हमारा जो ये जिद्दीपन है ना कि हम सबसे बेहतर हैं, हम सबसे बेहतर हैं भी नहीं। हम फंसे हुए इसी बात के ऊपर कि हम बेहतर हैं, हम नहीं बेहतर हैं, हमारी एजुकेशन नहीं बेहतर है। हमें एजुकेशन और अपने आप को, एजुकेशन ना भी हो, अपने आप को बेहतर बनाने की जरूरत है कि हम बेहतर बनाए। पाकिस्तान की जो ये मेंटालिटी है, मेरे ख्याल में यह भी इनकी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है हमारी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। असल में ये तो जाहिर सी बात है कि इंडिया इससे स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। वो पहले भी अच्छी कंट्री है, स्ट्रॉन्ग कंट्री है। इसके अलावा अब वो नेटो में शामिल हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी, ये उसके लिए तो बेहतर है। पाकिस्तान पे कुछ भी असर नहीं होगा, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और इस खित्ते पे हाथ डालने के लिए एक अच्छी खासी रिस्क चाहिए किसी भी मुल्क के लिए। आप समझते हैं कि जो इंडिया है वो नेटो में शामिल भी हो जाए, नेटो प्लस कंट्री में पहले भी है, पहले भी उनको नेटो जो वो बहुत फेवर कर रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि उससे पाकिस्तान की जो जो पोलिटिकल पोजीशन है या पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है या पाकिस्तान के किसी भी लिहाज से कोई भी असर नहीं पड़ने वाला? इससे अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए वो तो जारी तौर पर मजबूत होगा, लेकिन इससे अगर पाकिस्तान को कहा जाए कोई फ़र्क पड़ेगा तो इससे पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह हम एक अच्छी कंट्री है, स्ट्रॉन्ग। मैं नहीं चाहता कभी पाकिस्तान इंडिया में अब वार हो, मैं तो चाहता हूँ कि अमन हो, फ्रेंडशिप हो। अगर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान खुदा न खास्ता वार होती है और वो नेटो कंट्री है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को फिर सारे जो समझ लगे यूरोप और यूके यूएसए सब के साथ वार में जाना पड़ेगा, इसमें तो सर पड़ेगा। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक यानी कि जैसे यूक्रेन का जो मामला है, यूक्रेन भी उसमें वो शामिल हो रहा था, लेकिन वो रशिया को नहीं अच्छा लगा, उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन रशिया अपनी जंग लड़ रहा है, उससे कह लें कि रशिया यूरोप के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री साबित हुआ है। सर रशिया और यूक्रेन का मामला और है, रशिया जो यूक्रेन है ना वो रशिया का पहले हिस्सा था और वो अब इस वक्त वो न्यूक्लियर पावर भी नहीं है, वो रशिया से स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो उनको इतना उन्होंने डिफेंड कर रहा है रशिया को। लेकिन इंडिया जो वो हमसे पहले ही तकड़ा है, वो हमसे पहले ही मजबूत है, इसके बावजूद अगर वो नेटो का हिस्सा बनता है तो जारी बात है पाकिस्तान की ये परेशान कुल लम्हा है। ये कोई परेशानी नहीं है मेरे ख्याल से, हम एक एटॉमिक पावर हैं। मैं नहीं समझता कि कुछ इस पे असर होने वाला है। उसकी वजह ये है कि एक अलग ब्लॉक बनने जा रहा है, चाइना, रूस, पाकिस्तान, ईरान और नबे वाला अफगानिस्तान और इसके बाद इराक और अपना सऊदी अरब, ये तमाम कंट्रीज़ के अंदर एक अलग ब्लॉक बनने जा रहा है। और मुस्तकबिल में जो है उसमें हम और सेफ इस वजह से हो जाएंगे क्योंकि चाइना जो है वो मुस्तकबिल की सुपर पावर बनने जा रहा है। ठीक है, उस पावर बनने की वजह से इंशाल्लाह हमें पता है कि हम उस लिहाज से इंशाल्लाह महफूज हैं। और वैसे भी हम एटमी ताकत हैं, हमारी तरफ मतलब जो है ना वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जब भी हम इंडिया तो ये सोचता होगा कि मैं नेटो में शामिल हो गया हूँ और हम समझते हैं कि हम नेटो में शामिल नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद हम सेफ हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा हदूद दरबा छोटा है, कम है, उनका हदूद दरबा बड़ा है, उनको नुकसान जब भी होगा ज़्यादा होगा, सर हमारे कम होगा। सर आप बात कर रहे हैं एक नया दुनिया दो ब्लॉक्स में तकसीम होने जा रही है, जिस तरह आपने बात की रशिया, पाकिस्तान, चाइना, ये ब्लॉक बन, लेकिन अगर देखा जाए जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें उसके मुताबिक देखा जाए तो इंडिया के जो तल्लुकात हैं रशिया से वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नहीं, अब नहीं है, पहले थे अब नहीं है, अब हमारे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और किस लिहाज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? करीब पहले भी देखे ना, बात यह है कि हम जब इमरान खान गवर्नमेंट थी अपना पाकिस्तान के अंदर, उस टाइम हमारे रिलेशन बहुत बेहतर होने जा रहे थे। मतलब आप देख रहे हैं कि जो दुनिया है वो दो धड़ों में, दो हिस्सों में बंटने जा रही है, लेकिन हमारा ब्लॉक उनसे ज़्यादा मजबूत है क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर बैठे हैं। ये हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए सारे, जो हमारा ब्लॉक बनने जा रहा है वो हमारे सारे इर्द गिर्द बैठे सर हैं। अगर इस वजह से हम सिक्योर हैं सर, इसी तरह जिस तरह मैं बात की रशिया की, उसके ज़्यादा तल्लुकात इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग है, अगर इसी तरह बात की जाए आप अफगानिस्तान की भी, इसमें बात कर रहे थे अफगानिस्तान के भी तल्लुकात इंडिया के साथ हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी सबसे बड़ी मैं आपको वजह बताता हूँ कि जो हमारी तरह जो उनके फौजी ट्रेन हो रहे हैं ना, जो उनकी नई जो आर्मी वो बनाई उन्होंने, उनकी जो ट्रेनिंग है वो इंडिया फौज कर रही है।
नहीं वो कर रही है, वो पहले कर रही थी, अपने नहीं, अब रिसेंटली यही मामला चाहे वो कर रही जो है ना, रिसेंटली ये है कि आपको मैं एक बात बताऊं, आप इस चीज़ को समझें कि जब ये अफगानिस्तान गवर्नमेंट हुई है, जब अफगानिस्तान गवर्नमेंट बनी है, तो उसके अंदर पाकिस्तान का बहुत अमल दखल है। सर अफगानिस्तान के पाकिस्तान से बुरे तल्लुकात की एक मिसाल ये भी आप ले लें कि जो बलूचिस्तान के एरिया उधर उस तरफ से है ना क्वेटा, वो जो बाढ़ लगाई हमने डूरंट लाइन है उधर से वो आते हैं, और पाकिस्तान के जो जो रिसेंटली अभी वाक़ा हुआ उसको भी ये मंसूब किया जा रहा है कि ये भी अफगानिस्तान की साजिश थी, जो ये हमारा त्यारा गिरा है, अफवाज पाकिस्तान का त्यारा गिरा ना जो जो बलूचिस्तान में, वो भी यही कहा जा रहा है कि ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और अफगानिस्तान की मिली भगत है। नहीं, वो तो अभी इंक्वायरी हो रही है ना, आर्मी अपने तौर पर इंक्वायरी कर रही है, वो जब इंक्वायरी मुकम्मल होगी उसके शायद सामने आएंगे तो फिर पता लगेगा कि क्या ये साजिश थी। तो आप समझते हैं कि जो नेक्स्ट ब्लॉक बनने जा रहा है या इंडिया जो शामिल हो रहा है नाटो में और दुनिया दो ब्लॉक्स में तकसीम होने जा रही है, इससे पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, मुझे नहीं इंशाल्लाह को फ़र्क लगना, चलो ये तो वक्त साबित करेगा सर। तो व्यूवर्स आपने सुना हमारे आवाम का रिएक्शन, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडिया है इस वक्त देखें हर लिहाज से बेनिफिट, हर लिहाज से फ़ायदे में चल रहा है। देखें यूक्रेन और रशिया की वॉर लगी, इंडिया को बेनिफिट, और जब अब नाटो प्लस कंट्री में आ रहा है इंडिया को बेनिफिट, क्वाड में इंडिया, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया शामिल नहीं है? तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया, मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, गॉड ब्लेस यू।